हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना से परमानेंट स्किन वाइटनिंग फेस मास्क बनाना दिखाऊंगी। ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है स्किन को सबसे फास्ट वाइटन बनाने के लिए। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। पर इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बनाना। सबसे पहले बनाना को पील ऑफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और फिर एक ब्लेंडर के मदद से इसका पेस्ट बना लीजिए। बनाना में विटामिन ए और विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन से ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट को फेड करता है और स्किन टोन को लाइटन बनाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है और स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। अब एक बोल में 2 टेबलस्पून बनाना पेस्ट लीजिए और फिर इसमें 1 टेबलस्पून योगर्ट यानी दही, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून लेमन जूस लेके अच्छे से मिला लीजिए। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसमें लेमन जूस को ऐड मत कीजिए। अब इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए। इसमें योगर्ट यानी कि दही है। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन टोन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और लेमन जूस में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है, जो डार्क स्पॉट को लाइटन करके स्किन को फेयर बनाता है। ये फेस मास्क आपके स्किन टोन को धीरे धीरे फेयर और ब्राइटन बनाएगा और पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। इसे अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब भी पूरा ड्राई हो जाएगा तब इसे पानी से धो लीजिए। फेयर स्किन पाने के लिए इस बनाना फेस मास्क को आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका स्किन बहुत फास्ट व्हाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग बनेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।